पिछली माइनक्राफ्ट की वीडियो में हमने कलेक्ट की थी डायमंड्स और उसके बाद बनाया था एक एन्चेंटमेंट टेबल। आज वाला एपिसोड बहुत एपिक वाला है, तो एंड तक देखते रहना। और अब वीडियो इस 1.17 के अपडेट के बाद ये मेरा कैरेक्टर एलेक्स में बदल गया है भाई। मैंने थोड़े से बुक शेल्फ लगाए हैं, क्या मैंने सही लगाया है मेरे को बताना यार। मेरे को लगता है यहाँ और एक यहाँ लगेंगे और बाकी ऊपर ऊपर लगेंगे। आप लोगों को कुछ एडवांसमेंट दिखा दूँ जो मैंने किए हैं। ये देखो हमारा काउ फार्म, और ये है चिकन फार्म, और ये देखो शीप्स का फार्म है। इस इन्हीं में से कहीं पर भी पिग्स भी होंगे। क्या इतना बुरा हूं मैं मानो। तो गाइज आज वाले वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं वापस से माइनिंग पर, ताकि हम लोग अपने डायमंड्स के टूल्स तो बना पाए यार। अभी हम लोग थोड़े से आयरन के पिकैक्स बना लेते, वो जमाना नहीं रहा भाई कि हम लोग स्टोन के पिकैक्स से माइन करने जाएं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरती के साथ 6 डायमंड्स। माइनिंग करने के बाद हमें मिल चुकी है हमें 24 डायमंड्स। मैं तो माइनिंग किया थी ताकि मैं सारे टूल्स बनाऊं, अब तो आर्मर बन जाएगा गाइस। अब चेस्ट प्लेट पहले बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लेट्स गो, 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा हेलमेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस हम लोग पूरे डायमंड आर्मर में आ चुके हैं, लेट्स गो। अब हम लोग एक आर्मर स्टैंड बना लेते हैं, STA। ओके, आर्मर स्टैंड ऐसे ऐसे, ओके नाइस। तो हम लोग एक और आर्मर स्टैंड बना लेते हैं अपना, 1 2 3 4 5, और ये रखा स्लैब। तो हम लोगों ने 2 आर्मर स्टैंड बना लिए हैं। A few moments later, ये देखो हमारा आर्मर स्टैंड, दोनों आयरन और डायमंड का, और डायमंड वाला भी अभी चमकेगा। पहले तो बुक शेल्फ कलेक्ट कर ले, ये देखो पूरे डायमंड का। गाइस यार इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार, 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी। सो गाइस यार इस वीडियो को ले लाइक कर दो यार, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे करो, और कमेंट करो और किसी गेम्स की वीडियोस देखनी आप। शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे माइनक्राफ्ट लवर्स वाले फ्रेंड्स के साथ, जो भी इंस्टा पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हैं। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए कि वीडियो के अपडेट्स, कि कब एडिटिंग कंप्लीट हो रही है, क्या हो रहा है, तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ट्विटर पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना है कि मैंने अपने सर्वाइवल सीरीज में एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लिया है, यहाँ पर वीडियो आ गई है, क्या देखो। और आप लोगों को पता नहीं है माइनक्राफ्ट में ऐड हुए कुछ कस्टम मोड, ये वाली वीडियो देख लो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल एवर्स एंड सायोनारा।